हेलो एंड वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया जी जीके, आई मनीष गाणे वेलकम यू टू दिस सेशन ऑन सीमैट लास्ट 25 डे डेज स्ट्रेटेजी एंड एज आई से दैट, प्लीज हैव अ लुक एट आर सीमैट वन मंथ कोर्स व्हिच इज अवेलेबल एट एन अमेजिंग प्राइस सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भैया ये सेशन किसके लिए है ये सेशन उसके लिए है जो सीमैट ट्वेंटी के लिए अपेयर कर रहा है

तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ फटाफट जाके फॉर्म भर दो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सीमेंट फॉर्म भरने की लिंक मिल जाएगी तो इससे पहले हम आगे बढ़ें एक काम कर दो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस लिंक को क्लिक करो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो हम लोग अगले एक महीने में सीमेंट लाइव क्लासेस चलाने वाले हैं जिसमें क्वांट के कुछ सीमेंट रिलेट रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और अगर आपने हम लोगों के दो चैनल्स फॉलो नहीं किए हैं यूट्यूब पे तो मेंडी और जी और मंडी ऑर मैथ्स ये दो चैनल्स हैं इनको फॉलो कीजिए मंडी और जी पे तो ये सेशन चल रहा है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेंड ऑर मैथ जो जिसपे हम लोग लाइव क्लासेस चलाएंगे उसको भी फॉलो कीजिए अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए आपको जानकारी मिलेगी और इस वक्त सीमेंट का क्रैश कोर्स हमारा एक बहुत ही अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है सो इफ यू आर वॉन्टिंग टू प्रिपेयर फॉर सीमेंट इनकवायर विद एस और प्रॉब्ली यू कैन लॉग ऑन टू दिस वेबसाइट एंड चेक द इन्फॉर्मेशन यूर तो सबसे पहले ये जान लो सीमेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये पर्टिकुलर संस्था इस एग्ज़ाम को करवा रही है 2019 से बिफोर uh, 2019 थाउजेंड इट वॉज़ कंडक्टेड बाई ए आई सी टी ई एंड दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड फॉर एडमिशंस टू एम बी एंड पी जी डी एम एग्ज़ाम्स पी जी डी एम कोर्सेस अक्रॉस इंडिया एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन सीमेंट का जो स्कोर है वो सारे ए आई सी टी ई एफिलियेटेड इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट करते हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन की जनरल इंफॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन तेईस दिसंबर को शुरू हो चुका है और तीस एक तक एक्सटेंड हो गया है और फी भरने की आखिरी तारीख है नॉट ट्वेंटी थर्ड बट थर्टी फर्स्ट ऑफ जैन अब और ये फी के डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं और एग्जाम की डेट है ट्वेंटी सेकेंड और ट्वेंटी सेवेंथ 2021। टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दो स्लॉट्स में होगी 9 to or 3 to 6. So once we have got to understand some basic information, let us see the exam pattern of CMAT. So the CMAT exam is a 3 hour paper with 100 questions and each of the 4 sections quantitative techniques and data interpretation, logical and analytical reasoning.

इसका सिलेबस अब देखो सिलेबस पे जाने के पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं पहले ही कि सिलेबस कहीं रिटर्न डाउन होता नहीं है ये सिलेबस हम लोग अंदाजा लगा के बनाते हैं जिस तरह के क्वेश्चन सीमेंट में आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं तो इट्स एन इंडिकेटिव सिलेबस इसके बाहर एक चीज़ आ गई तो तो रोना मत चालू कर देना कि सर ने बताया नहीं ये भी था सिलेबस में पर फिर भी ब्रॉडली अगर आप सिलेबस की बात करें तो अरिथमेटिक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और अरिथमेटिक मतलब पहला ग्रुप है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये पहला ग्रुप है अरिथमेटिक का इसके बाद दूसरा ग्रुप अरिथमेटिक का आता है एवरेज एलिगेशन और मिक्सचर्स का तीसरा ग्रुप है टाइम ये तीनों ग्रुप्स जो हैं ये अरिथमेटिक के हैं टाइम डिस्टेंस और वर्क एंड टाइम इसके अलावा फिर नंबर सिस्टम्स और हायर मैथ होता है थोड़ा सा नंबर सिस्टम टाइम कैलेंडर सेट्स आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं स्टिल दे अपीयर फिर एल्जब्रा में लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकता है और जोमेट्री मिनसुलेशन ये सारी चीज़ें सिलेबस में है तो यहां पे आप देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस कोई दूसरी एग्जाम्स के कंपैरिजन में बहुत अलग नहीं है पर जहां एग्जाम अलग हो जाता है वो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी में ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी में कैट या आई या जैड की तरह नहीं होगा ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी में थोड़ा सा आसान रहेगा एग्जाम जनरली क्वेश्चन इसमें ईजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं और आप मान के चल सकते हैं कि 25 क्वेश्चन जो रिपोर्ट हो रहे हैं साल दर साल इसमें से चार या पांच क्वेश्चन ही टफ की कैटेगरी में आएंगे बाकी 20 क्वेश्चन आराम से इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में ही आएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें और इसके क्या मायने हो सकते हैं अभी हम जब स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे तो इसके बाद है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस और वट इज द सिलेबस ऑफ रीजनिंग अब देखो अगेन मैं वही बात बोलूँगा सिलेबस कहीं लिखा हुआ होता नहीं है पर ये सारे क्वेश्चन टाइप्स बार बार क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में दिखे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट अजम्पन कंक्लूजन रिमिस स्टेटमेंट अजम्प्शन स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन तो जितने भी तरह से के क्वेश्चन आप इन स्टेटमेंट्स पर सोच सकते हो वो सारे आ सकते हैं फिर उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग में सीरीज कोडिंग डिकोडिंग कॉज एंड कॉज इफेक्ट फिर डायरेक्शन सेंस कैलेंडर्स क्लॉक्स सब कुछ आ सकता है कैलेंडर्स के क्वेश्चन दिखे नहीं है पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नहीं आएंगे या पियर नहीं होंगे फिर उसके बाद लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं रैंकिंग्स एंड ऑर्डरिंग पे आ सकते हैं फिर नॉट सीक्वेंसेस बट सीरीज पे क्वेश्चन नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग पे भी आ सकते हैं डिपेंड करता है फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड सिंबल बेस्ड एंड ब्लड रिलेशनशिप्स इन पे भी क्वेश्चन आएंगे द नेक्स्ट थिंग विल हैव अ लुक एट इज द सिलेबस फॉर इंग्लिश वर्बल रीजनिंग का क्या सिलेबस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें एक पैसेज होगा और उसके ऊपर चार पांच क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको आंसर करने होंगे फिर ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन के फॉर्म में ग्रामर आ सकता है चेंज द अंडरलाइन पार्ट के फॉर्म में ग्रामर आ सकता है सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए आ सकता है अभी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जो तोड़ मरोड़ के दिया जाएगा और उसको आपको वापस से सही ऑर्डर में अरेंज करना है टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं पैराग्राफ कंप्लीशन पे क्वेश्चन आ सकता है इंग्लिश यूसेज फिर से ग्रामर का ही प्रकार है इसके भी एरर्स आ सकते हैं और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आ सकते हैं तो करीब पाँच से छः क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्टली वोकेबलरी पे डिपेंडेंट होंगे और आपकी वोकेबलरी अगर अच्छी है तो इन पाँच से छः क्वेश्चन को आप शायद आसानी से आंसर कर लेंगे नहीं अच्छे तो यू नीड नॉट

स्टैटिक जीके में आप हिस्ट्री देख सकते हैं मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री प्राइमरीली उसके बाद आप आर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं जोग्राफ़ी के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं इकोनॉमी और बिजनेस पे स्टैटिक क्वेश्चन देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकते हैं बुक्स uh, और ऑथर्स प्राइजेज अवार्ड्स इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं करीब करीब आठ से नौ क्वेश्चन लगभग हर साल देखे गए हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है पर फिर भी चूँकि कहीं लिखा नहीं है कि करंट अफेयर्स नहीं आएगा यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर करंट अफेयर्स पर्सनस इन न्यूज़ और स्पोर्ट्स तो ये प्रिपरेशन जितने लोगों ने टिस्नेट वाला मेरा वीडियो देखा होगा ये प्रिपरेशन काफी हद तक टेस्टनेट से मिलती जुलती है ये पार्ट प्रिपरेशन का तो अगर आप टेस्टनेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब सीमेंट के करंट अफेयर्स की और जनरल नॉलेज की तैयारी भी आपकी ऑटोमेटिकली हो रही है तो ये हमारा सिलेबस का पार्ट हो गया अब हम आके देखेंगे कट ऑफ्स और अलग अलग जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, उनके लिए कट ऑफ देखेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू कैन सी दीज कट ऑफ्स फॉर कॉलेज विच एक्सेप्ट सीमैट स्कोर्स एंड यू कैन सी द टॉप कॉलेज फर्स्ट जमुना लाल बजाज एट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन्थ परसेंटाइल रफली सिडनेम सुमाया देर ऑल अबव वेलिंकर ऑल ऑफ देम आर अबव नाइन्टी नाइन्थ परसेंटाइल and wellinker might give a call even on a profile at 80 85 percentile if you have a 80 85 percentile score in cmat some institutes will give a profile based call also so you can see these are the prominent institutes and roughly if you are looking for a good college through cmat 80 85 percentile is what you should at least be able to score but if you are looking for the best obviously jamnalal bajaj is around 99.99 percentile and what does that translate to it should translate to a score of around 335 to 345 for a top percentile so if you are aiming for JB this is what you should try to score in the CMAT exam next let us now look at topic wise question analysis so first

और ये हम सीमेंट में भी देख रहे हैं कि करीब करीब फोर्टी परसेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो अरिथमेटिक के हैं जोमेट्री दो से लेके छः क्वेश्चन पे आ रहा है मतलब ज्योमेट्री का परसेंट करीब करीब आठ से लेके तो पच्चीस परसेंट तक के क्वेश्चन ज्योमेट्री और मैंसोरेशन पर बेस्ड हैं और ये जानकारी हम कहाँ यूज़ होने वाली है तैयारी करोगे तो आपको तैयारी करने में यह जानकारी काम आने वाली है किस सब्जेक्ट को किस टॉपिक को पहले उठाना है ऑब्वियसली तीन तीन एक क्वेश्चन आप समझ लो दो से तीन क्वेश्चन अल्जबरा के आने वाले हैं दैट ट्रांसलेट टू अराउंड ट्वेल्व परसेंट वेटेज फॉर अल्जबरा लोन फिर उसके बाद आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये तीन टॉपिक्स मिला के अगर देखेंगे तो दो से पांच क्वेश्चन आते हैं सो so इंपॉर्टेंस कितना है एट परसेंट टू ट्वेंटी परसेंट नंबर चार से दस परसेंट तक का इंपॉर्टेंस को है और डेटा इंटरप्रिटेशन करीब करीब पंद्रह परसेंट का इंपॉर्टेंस डेटा इंटरप्रिटेशन को है तो इसको यूज कैसे करना है तो जब भी आप तैयारी करने की शुरुआत करेंगे तो आपको अरिथमेटिक, जोमेट्री परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और डेटा इंटरप्रटेशन अगर ये चार एरियाज़ आपने देख लिए तो इसका इंपॉर्टेंस करीब 40 परसेंट है इसका इंपॉर्टेंस आप एवरेज करके 15 परसेंट मान लीजिए इसका इम्पॉर्टेंस भी करीब करीब 10 परसेंट मान लीजिए और इसका इंपॉर्टेंस भी करीब पंद्रह परसेंट है तो ये चार एरियाज़ मिला के करीब एटी परसेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो जब भी आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हैं और कुछ प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं या पूरा सिलेबस करने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने एरियाज को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं चलिए देखते हैं कि रीजनिंग में क्या आ रहा है क्या पूछा जा रहा है तो देखिए पिछले तीन साल में अगर आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन में से कोडिंग डिकोडिंग रफली दो साल आया है दो दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तीनों साल आए हैं चार से तीन से चार क्वेश्चन इसको आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो इसको नहीं छोड़ सकते हो क्यों क्योंकि इसमें करीब करीब पंद्रह परसेंट इंपॉर्टेंस है इसको इसको 8 का इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इसके बाद आप देखेंगे कि रफली हर एरिया में एक 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 एक, 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 एक दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी हैं रैंकिंग्स और अरेंजमेंट पर भी क्वेश्चन हैं सिंबल बेस्ड क्वेश्चन भी हैं वेन डायग्राम्स पे भी क्वेश्चन है नंबर ग्रिड पे भी क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस इज ऑल्सो विजिबल सो यू कैन फाइंड वन और टू क्वेश्चन सेंस एवरी सो रीजनिंग इज वन एरिया विच इज यू नो विच इज वेरी वेरी वास्ट एंड प्रॉबली यू विल नीड टू फोकस अ लॉट ऑन रीजनिंग बिकॉज बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन दिखते हैं मुझे रीजनिंग में तो रीज़निंग एक ऐसा एरिया है जिसमें आपका स्कोर बहुत जल्दी इम्प्रूव हो सकता है बशर्ते आप ठीक से प्लान करके अपनी तैयारी करते हैं स्पेशली अगर आप पहली बार सीमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा रीजनिंग और करंट अफेयर्स ये दो एरियाज ऐसे हैं जिस पे आप फोकस करके चलें अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ करने के लिए मतलब आप करंट अफेयर्स में भी 25 में से करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और रीजनिंग में भी पंद्रह से बीस क्वेश्चन से ही कर सकते हैं विच मीन्स अराउंड वन फिफ्टी मार्क्स तक आप इन दो एरियाज में से ला सकते हैं खैर ये बात हम बाद में करेंगे फिलहाल आपको ये ये टेबल ये पूरी जानकारी देता है कि क्या क्या एरिया से क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्लिश पे और इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आम तौर पर तीन से चार पैसेजेस आ रहे हैं पिछले साल सिर्फ छः क्वेश्चन आए थे पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस साल सिर्फ एक ही पैसेज आए मुझे लगता है दो से तीन पैसेज आ सकते हैं इस साल सिनोनिम्स एंटोनिम्स फिर फिल इन द ब्लैंक्स जो फिर से वोकेबलरी बेस्ड हो गया एडियम्स वर्ड डेफिनेशनस पैराजम्बल्स अब आप देखेंगे कि सब में जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन हैं वो कितने आ रहे हैं आप देखिए 6, सिक्स प्लस टू एट टू टेन थ्री थर्टीन एंड वन फोर्टीन एंड प्रॉब्ली वन फिफ्टीन सो अराउंड 14 क्वेश्चन हैव अपियर्ड ऑन वो कैब इन ट्वेंटी ट्वेंटी पर दो हज़ार उन्नीस और अठारह में ऐसा नहीं था दो हजार उन्नीस और अठारह में थ्री वन फोर वन फाइव अराउंड सिक्स टू सेवन क्वेश्चन और मैं यही समझता हूँ कि आजकल जो डायरेक्ट वोकैब पूछने का जो ट्रेंड था पहले वो काफ़ी हद तक कम हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2018-19 में जिस तरह से छः आठ क्वेश्चन वोकेबलरी बेस्ड थे वैसे ही 2021 में भी छः से आठ क्वेश्चन आप वोकेबलरी डायरेक्ट वोकेबलरी बेस्ड सोच इसके बाद जी में देखते हैं क्या अपेयर हो रहा है करीब दो में टू टू में ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर क्वेश्चन फर ऑन स्टैटिक जी 2019 this number was around 20 questions on static gk and 2018 you can see 17 to 18 questions on static gk which means that cmat as an exam is highly skewed towards static gk static awareness and therefore if you want a top score in cmat you have to prepare well on static gk and what are the areas you need to prepare on history ogia geography ogia इकोनॉमी और बिजनेस कंपनीज़ एंड ब्रांड्स टैगलाइंस फिर पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस, आशियान इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी पे स्टैटिक जी आ सकता है स्पोर्ट्स पे अवार्डस ऑनर्स टूर्नामेंट्स और फर्स्ट हर तरह की चीज़ स्पोर्ट्स में आ सकती है तो आपको तैयारी बहुत सारी करनी पड़ेगी जीके पे और आपको ये सारे एरियाज़ कवर करने पड़ेंगे करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करने के लिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं लास्ट 25 डेज की स्ट्रेटेजी पे जो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है भाई तो आखिरी के 25 दिन में क्या करूँ मैं एज ए स्टूडेंट जब मैं तैयारी करने उठता हूं तो स्टूडेंट जनरली दो कैटेगरीज में आ सकते हैं पहली कैटेगरी C1 ये वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं दूसरी एग्जाम्स की भी जिन्होंने कैट कैट भी दिया है जिन्होंने जैट भी दिया है जो टिसनेट भी देने वाले हैं तो ये ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स की तो सबसे पहले हम देखते हैं इन लोगों ने आखिरी के पच्चीस दिन में क्या करना चाहिए सबसे पहले तीन पीस ध्यान रखिए पर्पज़ प्रायोरिटाइज एंड परस्यू ये तीन पी हैं इनका ध्यान रखिए कि तैयारी शुरू करने के पहले आपको अपना पर्पज क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह के कॉलेजेस को छू सकते हैं किस तरह के कॉलेजेस को पा सकते हैं या टारगेट करना चाहते हैं ये क्लैरिटी आप में होनी चाहिए क्योंकि वही डिटरमाइन करेगा कि आपको तीन सौ स्कोर करना है या 280 सौ स्कोर करना है या 250 सौ स्कोर करना है आई एम श्योर कोई भी 250 या 200 वाले कॉलेजेस को टारगेट करके चलता नहीं है पर फिर भी अपनी स्थिति को जानते हुए अगर आप रियलिस्टिक टारगेट्स रखेंगे तो उनको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बेहतर होगी सो इफ यू आर हु हैज बिन प्रिपेयरिंग फॉर कैट हु हैज बिन प्रिपेयरिंग फॉर जैट आखिरी के पच्चीस दिन आपको सिंपली दो काम करने हैं टॉपिक वाइज टेस्ट और सेक्शन टेस्ट लेना है ये पहला पहली चीज़ है टेस्ट के फॉर्मेट में दूसरा है मॉक टेस्ट लो क्यों क्योंकि आपकी लॉजिकल रीजनिंग पे टॉपिक मैथमेटिक्स पे और वर्बल एबिलिटी पे आपकी तैयारी एक हद पे हो चुकी है एक हद तक हो चुकी है एट मोस्ट यू कैन वॉट यू कैन डू इज प्रॉबली यू कैन डू सम कन्वेंशनल डेटा इंटरप्रिटेशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो कन्वेंशनल रीजनिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो एनालिटिकल रीजनिंग क्योंकि कैट में हम ब्लड रिलेशंस के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते कोडिंग डिकोडिंग नहीं करते हैं ये जो पांच छह एरियाज है इनकी तैयारी थोड़ी सी कर सकते हो आप इट रिक्वायर मोर देन फाइव सिक्स डेज फिर मॉक टेस्ट कितने लेने हैं भाई इफ आई आई वर यू वुड टेक टू मॉक्स अ वीक तो टोटल छ मॉक्स मेरे हो जाएंगे एग्जाम के डेट और बाकी मैं करीब करीब थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट अपना टाइम जो है वो जीके को दूंगा क्योंकि जीके बहुत वास्ट है एंड जीके इज रियली वेरी वेरी वास्ट एंड आई के नॉट लीव आउट एब्सोलूटली आई कैनॉट लीव आउट एनीथिंग और इसमें भी मुझे ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक के और इंटरनेशनल अफेयर्स ये दो बहुत प्रोमिनंट इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपको सिर्फ टेस्ट पे फोकस करना है उन टॉपिक्स को देखना है जो कैट के दौरान आपने बहुत बहुत बार सॉल्व नहीं किए थे वो कुछ चार पाँच टॉपिक होते हैं क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन कैट में नहीं आते हैं और फिर अपना पूरा ध्यान करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पे देना है पर अगर आप पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये सिलेबस थोड़ा सा स्टार्ट कपल ऑफ मॉक टेस्ट आप पहले कुछ मॉक टेस्ट दे के देखो क्यों क्योंकि उससे आपको अंदाज लगेगा वॉट इज द लेवल ऑफ टफनेस ऑफ दिस एग्जाम

अपनी तैयारी को प्रायोरिटाइज करिए मतलब क्वांट के टॉपिक्स डिसाइड करके सॉल्व करिए सबसे पहले आप क्वांट में करिए क्यों क्योंकि फोर्टी परसेंट है उस 40 फिर उसके बाद आप जाके डेटा इंटरप्रिटेशन कर लीजिए क्योंकि इसके ऊपर भी फिफ्टीन परसेंट का वेटेज है और ये कन्वेंशनल डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा कैट जैसा डेटा इंटरप्रिटेशन सीमेट में नहीं आएगा फिर अगर इसके बाद भी थोड़ा सा टाइम आपके पास बचा हुआ है तो शायद आप ज्योमेट्री देख सकते हैं तो कुल मिला के ज्योमेट्री डी डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक मिला के सत्तर से अस्सी परसेंट तक का सिलेबस आप खत्म कर सकते हैं तो इस तरह से तैयारी करने को हम बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना और किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं ईजी पहले और मॉडरेट टफ क्वेश्चंस करने की सोचना अभी मत आपके पास टाइम नहीं है फिर रीजनिंग एक ऐसा एरिया है जो आप पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हो अभी है ना एवरी डे एक से दो घंटा आप स्पेंड करोगे तो आप पंद्रह दिन में पंद्रह पंद्रह सोलह टॉपिक कवर कर लोगे तो पहले पंद्रह दिन में आप रोज एक एक दो दो घंटा एक एक टॉपिक को लेकर बैठो और उनको सॉल्व करो एंड देन यू विल रियलाइज कि इसमें से चार पाँच टॉपिक ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं या कर रहे हैं देन फोकस ऑन दीज फोर फाइव टॉपिक्स फॉर द रिमेनिंग डेज बट एल आर वन एरिया मुझे लगता है कि जहां पे स्कोर बड़ा जल्दी इंप्रूव हो जाता है बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है इसके बाद इंग्लिश करिए वोकेबलरी अगर आपकी अच्छी है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आप सिर्फ टेस्ट लेते रहिए वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो आप एक कोई छोटी वर्डलिस्ट देख लीजिए जिसमें 300-400 वर्ड्स हों और idioms देख लीजिए वोकेबलरी में ये एफ़र्ट आपको लगा लेना चाहिए मेरे ख़्याल से अगर कोई भिड़ के काम करता है तो 300-400 वर्ड्स 10 से 15 दिन में आराम से याद होते हैं अगर कोई भिड़ के काम करता हो आप आखिरी के 30 दिन काम कर रहे हो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको इसके अलावा आपको भी अपना पूरा टाइम टेस्ट इंग्लिश वर्बलेबिलिटी के टेस्ट देने चाहिए और इसके अलावा मॉक्स आपको देना चाहिए तीन से चार मॉक टेस्ट का आपको प्लान करना चाहिए आप छे मॉक टेस्ट शायद नहीं दे पाएंगे तीन से चार मॉक टेस्ट देने का आपके पास टाइम है उतने दे दीजिए तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज करके चालू करिए और एक चीज में कहना भूल गया आप लोगों के लिए भी कि आपको भी अपनी तैयारी का तीस से पैंतीस देखो तीस से पैंतीस परसेंट टाइम आपको जीके पे देना पड़ेगा क्यों क्योंकि स्कोर सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी इंप्रूव जीके और एल पे होगा तो अगर कोई दो एरियाज हैं जो आपको 200 250 ढाई सौ के पार या 250 के पार पहुंचा सकते हैं वो हैं रीजनिंग और करंट अफेयर्स ये दो स्कोरिंग एरियाज हो सकते हैं ऐसे सो दिस इज ऑल आई हैड टू से अबाउट द लास्ट 25 डेज ऑफ सीमैट प्रिपरेशन इन केस यू आर लुकिंग फॉर हेल्प डू Uh, look, take a look at our CMAT crash batch, which includes live sessions, video recorded sessions, uh, online content, a mobile application, and everything that you need for the last 25 days of your preparation. That is all. Thank you very much.